सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज भाई अनदर डे अनदर राइड, हम लोग रेडी हो चुके हैं। ये देख सकते हो भाई, सुबह सुबह आधे नींद में उठने का नतीजा क्या हो रहा है। ये रही 650, और सबसे अच्छा बात तो भाई इनको देखो, ये पल्सर 150 लेके अभी जा रहे हैं मुक्तिनाथ, मतलब लोअर मस्तान। और इनका बाइक में भाई जो पीछे का ब्रेक पैड मैं आपको दिखाई देता हूँ, आप लोग को शायद बिलीव ना हो, हाँ वो लोग पीछे का ब्रेक पैड जो है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। और इधर है अपने उज्जवल भैया का डोमिनार, हियर वी हैव। तो यहाँ पे मैंने भाई कुछ भी कैरी नहीं किया अपने बाइक पे, सारा कुछ इधर है, बाकी सारा कुछ इधर है। ये लोग पूरा भाई फायर है मेरे ऊपर। और ये रही अपनी गॉडज़िला। तो बिना लेट के यहाँ से निकलते हैं। मैंने बस रेन लाइनर ऊपर पहन लिया है, जैकेट मैंने कैरी नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई गर्मी है एंड राइड बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला। तो बिना लेट के यहाँ से निकलते हैं एंड सीधा मिलते हैं गाइस आप लोग से गोप्रो पे। गाइस आप लोग आ चुके हैं बाइक के ऊपर एंड हैव अ लुक, व्हाट अ अमेजिंग व्यू। एंड साथ ही साथ आज का दिन भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि सुबह से हमें भाई बारिश वगैरह वैसा कोई दिन नहीं, बाकी रेगुलर मतलब पिछले 4-5 दिनों से रोज़ बारिश सुबह सुबह हो रही थी, बट आज स्टार्टिंग काफ़ी अच्छा है, धूप भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। होपफुली कि आगे हमें रोड भी अच्छा थोड़ा मिले, मतलब जो मेरा एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग मिले, उससे ज़्यादा बुरा ना हो। क्योंकि अगर बारिश हो गई नहीं तो लोअर मस्तान जो रोड है ना वो बिल्कुल हेल हो जाता है, मतलब फॉर अ बाइकर वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। तो हम लोग प्रिपेयर है उस चीज़ के लिए भी, बट स्टिल अगर अच्छे से हो गया, ज़्यादा हैक्टिक नहीं हुआ तो ज़्यादा बेटर है। तो चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ एंड आगे का और भी प्यारा प्यारा नज़ारा आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को भाई पूरा एंड तक ज़रूर देखना। मैंने परमिट का बता दिया था, 2 परमिट बने थे, एक 600 रुपये का, 1000 रुपये का, जो कि पूरा प्राइस मैं आपको नेपाली करेंसी में बता रहा हूँ। मतलब अगर आप इंडियन में जाओगे तो 1000 रुपये का इंडियन रुपीज लगता है आपको परमिट बनवाने में। जस्ट हैव अ लुक गाइस, सामने पूरा हिमालयन रेंज दिख रहा है एंड ये जो रोड है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वैसे स्टार्टिंग का कुछ 40-50 किलोमीटर शायद अच्छा है जैसे कि उज्जवल भाई ने बताया, बट आगे का भाई उसका ही डबल हेक्टिक होने वाला है। एंड यहाँ पर रुक के थोड़े फोटोज़ वगैरह लेते हैं अपन। फ्यू मोमेंट्स लेटर, ओके थैंक यू। तो गाइज यहाँ पे भी हमें रोका गया था चेक पोस्ट के लिए, यहाँ पे अभी रास्ते में बहुत सारे चेक पोस्ट मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ गाइज यार रिक्वेस्ट, अगर कोई सोच रहे हो कि मैं बिना परमिट लिए निकल जाऊँगा राइड करके आ जाऊँगा या फिर ऐसा कुछ भी सोच रहे हो, तो प्लीज़ गाइज ऐसा रिस्क मत लेना। क्योंकि अगर इस एरिया में पकड़े जाओगे विदाउट परमिशन तो आपकी बाइक या फिर कार जो भी है वो सीज भी हो सकती है एंड आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। सो इट्स बेटर कि सब लोग परमिट वगैरह सब कुछ ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और बहुत ही कम टाइम में परमिट बन भी जाता है। आपको आपने लास्ट वीडियो में देखा था हमारा, बस 15-20 मिनट में परमिट वगैरह सब कुछ बन गया था। सो बस ये चीज़ ध्यान में रखना। चलो फिर आगे दिखाते हैं आपको और अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा नज़ारा। और इसके बाद जो हार्ड कोर ऑफ रोडिंग होने वाला आज ऑन Z900, जिसमें आज सच में मज़ा आने वाला है। यार एक बार इस तरफ का ना व्यू देखो, मतलब इधर के पहाड़ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है एंड बहुत ही जगह वाटरफॉल भी हो रहे हैं क्योंकि इधर पूरा ना हिमालयन रेंज है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं अभी इस टाइम पे। तो बारिश नहीं हो रही है, सबसे अच्छी बात तो ये है हमारे साथ। बट अभी ना जिस जगह से हम लोग क्रॉस करते, मैंने GoPro ऑन करना भूल गया, वहाँ पर ना पहाड़ से पानी इस तरीके से गिरा था कि वो पूरा हमारे ऊपर आ गया, मतलब मे बी GoPro के लेंस पर भी थोड़ा बहुत आया होगा। उसको मैं अभी क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा। मतलब एक पंगा से हम लोग निकले ही थे, मतलब पुलिस से अभी बच के निकले, और यहाँ देखो ये एक और लफड़ा लग गया भाई। मतलब ये राइड ना बहुत हेक्टिक होने वाला आप देख सकते हो, और यहाँ पे तो भाई बन भी जा रहा है, आगे बहुत प्रॉब्लम है, आगे मुश्किल है बहुत ऐसे बनना। और ये देखो भाई कितना बड़ा किला, ओ भाई यार ये तो बहुत बड़ा है भाई। ये देखो अभी मेरा भी भाई का हवा थोड़ा कम है इसमें, पहले भी अब हवा डलवा लेते हैं। तो बस पता चला था कि भाई इसमें पंचर है, इसका पंचर बन गया। मैंने अपना जैसे चेक करा, यहाँ पे भी एक निकल चुका है, हैव अ लुक। अब इसको बनवाते हैं। तो भाई लोग ये पहला ऑफ रोड पैच हमें मिला है जो कि बहुत ही छोटा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं एक्चुअली। यहाँ पे थोड़ा लैंडस्लाइड हो रखा है जिसकी वजह से ये रास्ता इस तरीके से ख़राब है। तो वो लोग गाइस भाई मेरी बाइक तो अभी ऐसी स्लिप करी ना, क्या ही बताऊँ। यहाँ पे फिर से हमें पुलिस वालों ने रोक लिया भाई।
ये भंसार तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा पंगा हो गया एक्चुअली उजर भाई की डोमिनार में जो लाइट्स लगे पड़े तो यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा लाइट्स लगा के चलना बहुत ही मुश्किल वाली चीज़ है एंड इवन उसके लिए फाइन भी है तो देखते हैं अब क्या होता है। यार हम लोग काफ़ी ज़्यादा लकी थे एंड सबसे अच्छी बात तो ये कि उज्जवल भाई एक्चुअली यहाँ से है तो इनको थोड़ा यहाँ का लैंग्वेज आता है तो बाइक का हाल ये देख लो क्या हो रखा है। इन्होंने बोला कि अगर ये लाइट्स कहीं भी ऑन हुआ और कहीं भी पकड़े जाओगे तो आपकी बाइक को भी सीज कर दी जा सकती है। सो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। और भाई मुझे तो खास करके वरना एग्जॉस्ट के चक्कर में ना बहुत लंबा लफड़ा लग सकता है हमारे साथ और ये पंगा अगर हो गया तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए जहाँ भी ऐसा चेक पोस्ट हो मैं तो सजेस्ट करूँगा अगर आपके बाइक में स्टॉक एग्जॉस्ट है तो वही लेके आओ। और मतलब इसमें तो चलो मैं मैनेज कर भी लेता हूँ बोल करके ये 4 सिलेंडर है बट अगर नॉर्मल कोई बाइक से सिंगल सिलेंडर उसमें भाई ये लोग मैनेज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और यहाँ पे भाई चलान है मिनिमम 10,000 रुपये का मॉडिफिकेशन अगर आप लोग ये सब करवाते हो एक्स्ट्रा तो ये चीज़ हमेशा याद रखना अगर आप लोग पे करने के लिए रेडी हो तो ठीक है वैसे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे चलान डायरेक्ट जमा नहीं होता है यहाँ पे हमें बैंक में जाकर चलान जमा करना पड़ेगा तो ये एक बहुत लफड़ा वाला चीज़ है। अगर आप लोग इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते तो बेटर गो फॉर स्टॉक। मेरा तो भाई प्रॉब्लम था मैं इसको निकाल कर फिर स्टॉक नहीं लगा सकता था क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाता दैट्स द रीज़न बट मैंने डीबी के लिए डाल दिया है। तो अभी गाइस हम लोग आ चुके हैं कुसमा एंड इस वाले ब्रिज का एक बार नज़ारा चेकआउट करो है वो लोग गाइस बहुत ही अमेजिंग है एंड साथ ही साथ बहुत ही स्कैरी भी है। वैसे वीडियो में ये दिख रहा होगा कि भाई बहुत ही ज़्यादा वाइड है बट ऐसा कुछ नहीं बहुत ही मतलब पतला सा ब्रिज है एंड साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी है भाई बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एंड यहाँ पे जिप लाइनिंग बंजी जंपिंग सब कुछ होता है। जस्ट वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट बंजी जंपिंग जो है वो यहीं पर होता है तो कुछ इस तरीके का नज़ारा यहाँ का भाई देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें हाईवे पे एक डाइवर्जन मिलेगा आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट अगर जाएंगे तो ये बागलूंग चला जाएगा और राइट हमें जाना बेनी मुक्तिनाथ की तरफ तो इस तरह का बीच में बोर्ड मिल जाएगा अगर आप लोगों को कभी भी इधर आना तो आप ये चीज़ देख के आ जाना। और अभी चलेंगे भाई ऊपर की तरफ इस वाले पहाड़ पर इस रोड में एंटर करते ही ऐसा नज़ारा मिला ना हैव अ लुक गाइस ये रोड देखो एक बार चेकआउट करो। और अब हमें इसी टाइप के रास्ते पर काफ़ी दूर तक इस जर्नी को कम्प्लीट करना है एंड बाइक स्पीड 15-20-30 मैक्सिमम होगा अगर ऐसा रोड रहा तो। ओ भाई साहब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सुपर बाइक लेके ऐसे रोड पे कभी भी आऊँगा एंड इनफैक्ट कभी ऐसा रोड ट्रिप करूँगा। गाइस एक बार ये चेकआउट करो व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड ये जो नज़ारा है ना सच बताओ तो जो अभी मेरे को दिख रहा है लिटरली अभी पूरे ट्रिप पे मुझे ऐसा कहीं भी नज़ारा नहीं मिला। भले ही यहाँ पे स्टार्टिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब था मतलब ऑफ रोड काफ़ी ज़्यादा मिला था हमें बट यार हद से ज़्यादा मतलब इस रोड पे डेंजर है साथ ही साथ स्लशी इतना ज़्यादा है मेरी बाइक की स्पीड कहीं भी 20 के ऊपर नहीं जा रही 30 तो मैं बहुत ज़्यादा ही बोल दिया था एंड इनफैक्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस है कि अगर आपके बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस का मैंने तो नीचे बहुत ही आराम से टकरा सकती है एंड उसके साथ आपकी मोबिल चैम्बर को ये फाड़ के रख देगी तो बचा के चलना भाई बिल्कुल। मेरी तो अभी से ही मतलब समझ लो थोड़ा थोड़ा हालत ख़राब होना स्टार्ट हो गया है क्योंकि ये जो रोड है ना ये रोड है ही नहीं एक्चुअल में आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं भी आपको रोड नहीं मिलेगा एंड उज्जवल भाई और उमेश भाई तो दोनों आगे निकल गए पीछे अजैन भाई हमारे अब कितना पीछे ये नहीं पता। तो यहाँ पे हमने भाई फ्यूल अप करा लिया है एंड 4.38 लीटर आ चुका है और इसके बाद पेट्रोल पम्प नहीं है ना एक और है बट फिर भी हमने पहले करा लिया। भाई लोग यहाँ पे रोड नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है यार मतलब तब से अपन किए जा रहे हैं बस वाटर क्रॉसिंग और हद से ज़्यादा है भाई वाटर क्रॉसिंग इधर नेक्स्ट लेवल। सच बताओ तो यार मेरा हालत ना अभी से लग रहा है कि मैं क्यों आया हूँ इधर बट देखो यार जिस चीज़ का ना स्टार्टिंग थोड़ा ऐसा होता ना आगे चल के बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी होगा। तो गाइस अभी हम लोग रुके हैं बेनी में फॉर ब्रेकफास्ट एंड बाइक का कंडीशन एक बार चेकआउट करो ये रही अपनी गॉडज़िला ये
ये तो भाई बची पड़ी है, इधर भी बची पड़ी है तो के लिए। तो जल्दी से खाते हैं एंड उसके बाद फिर अपनी गॉडज़िला को लेकर निकलते हैं यार। काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई, कल ही हमने इसे धुलवाया था एंड देख सकते हो क्या हाल है इस बाइक का भी। आगे से तो देख लो यार, अलग ही लेवल की दिख रही है। तो अभी हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे थकाली थाली और देख सकते हो इसमें ये सारा कुछ है, पूरा थाली सेट हमने ले लिया है। इसे ख़त्म करते जल्दी से, देखो इनका स्टार्ट भी हो गया। क्या ठीक है जैसे हमारा अभी ब्रेकफास्ट हो गया, बट नाउ इट्स टाइम फॉर अ स्लशी पैच। हैव अ लुक गाइस, ओह माय गॉड। दिस इज व्हाट वी कॉल रियल एडवेंचर फाइनली। अभी हम लोग ना बिल्कुल लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में है। वो लोग यार ये पत्थर किस तरीके से अटकी हुई है, अगर थोड़ा सा भी भाई ये गिरी तो कितनों को लेके इस नदी में जाएगी पता नहीं। तो भाई लोग अभी जो मेरे पीछे का नज़ारा है ना, वो अगर आप लोग देख लोगे ना तो सच में लगेगा कि इतना ऑफ रोडिंग करके यहाँ ना पैसा वसूल है। तो आप एक बार ये चेकआउट करो गाइस, है वो लुक। ये रही अपनी गॉडज़िला और उधर का व्यू देखो, उधर उमेश भाई के पल्सर, इधर रहे दोनों भाई लोग अपने, इधर रही डोमिनार और अपन वेट कर रहे हैं 650 का, क्योंकि जैन भाई काफ़ी पीछे हो गए एंड साथ ही साथ थोड़ा फेयरिंग वाला भी इशू है उसमें। तो देखते हैं शायद वो आ रहे, पीछे उनका लाइट दिख रहा है। तो ये रहे अपने उज्ज्वल भैया एंड उनके पीछे भाई मैं। तो गाइस जैसे कि अभी आपने देखा भाई कितने मुश्किल से हमने इस रिवर क्रॉसिंग को किया है, वो भी अपनी गॉडज़िला पे। यहाँ पे प्रेशर देखो भाई साहब, मैं बहता जा रहा हूँ यार, मैं सही से चल भी नहीं पा रहा हूँ। देखो कार वहाँ पे अटक गई और ये यार रिवर क्रॉसिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट है, हद से ज़्यादा। इवन जहाँ पे एक जगह हुआ क्या कि मेरा बाइक ना एकदम नीचे पत्थर था, मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला कि इट्स बेटर कि मैं खुद गिरूँ, बाइक को नीचे रख देता हूँ। अब इधर आ गए अपन भाई, टाइम फॉर 650 और 650 निकालना है भाई। एक बार ये चेकआउट करो तो इसमें अभी अपना जूता हटाते हुए रिवर क्रॉसिंग हमने किया और ये होता है असली रिवर। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा। उमेश भैया मजा आया? उमेश भैया तो ये अब होगा लोअर मस्तान का असली भाग। अभी तो स्टार्टिंग है ये। सो या तो बहुत मुश्किल से अभी हमने यार एक रिवर क्रॉसिंग किया अपने देखा, उसके बाद ये देखो कैसा रोड है भाई, मतलब इधर देख लो और इधर देख लो, बस इतना ही सा जगह है कि बीच से बाइक निकल जाए, वो भी फुल ऑफ स्लश। तो बहुत ही ज़्यादा स्लशी पार्ट है यार ये। यहाँ पे क्या ना एकदम आप जो मोशन बना के चल रहे हो ना वो बना के रखना, और एक बार अगर आपका फ्लो टूटा तो फिर समझ लो कि व्हील स्पिन होने लगेगा चक्का और वहीं पे आपकी बाइक अटक जाएगी। सेम विथ वाटर क्रॉसिंग, आप आराम से स्लोली स्लोली निकालो, अगर एक बार निकालने का कोशिश करोगे ज़्यादा ओवर रेफ करोगे तो बाइक आपकी अटक जाएगी वहाँ पे। ओह माय गॉड ये भाई किधर आ गया अपन, मतलब लिटरली बता रहा हूँ मैंने लास्ट ईयर लद्दाख किया था पूरा सर्किट, उसमें कहीं पर भी ना मतलब इस लेवल का थ्रिल नहीं आता जो थ्रिल हमें यहाँ पर मिल रहा है।
भाई जैसे ही जैसे रास्ता आगे बढ़ते जा रहा है, रास्ता मतलब सच बताओ तो और भी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। और अभी हम लोग जिस क्लिफ पे थे भाई, यहाँ से नीचे देखने के बाद तो सच बताओ मेरा हार्ट बीट बिल्कुल फास्ट हो रखा है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है। एंड साथ ही साथ भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी ज़रूर लग रहा है, क्योंकि ये रोड ना भाई बहुत ज़्यादा डरावने हैं। सच बताओ ना तो मैंने पूरे लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि ऐसे रोड पे भाई बाइक में चला भी पाऊंगा कभी। ये देखो भाई हम लोग का साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्लच प्लेट उड़ गया है इसका और हम लोग इसको ट्रक पे लोड कर रहे हैं। तो फाइनली बहुत मुश्किल से भाई बाइक चढ़ गया है। थैंक यू भैया ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, शुक्रिया भैया मदद के लिए। यहाँ पे अभी कोई मदद करता नहीं है। सच बताए तो यार दिल से बहुत बुरा लग रहा है, उमेश भाई को यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ रहा है। अपने पास कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि हमारी बाइक्स ऐसी है, इस पर पिलियन भी लेकर नहीं जा सकते, बाकी दोनों बाइक पे लगेज भी है। तो भाई लोग को बाइक पसंद आ गई है तो फोटो क्लिक करा रहे और चलते हैं बाकी की तरफ। आगे का जर्नी कम्प्लीट करना है, बारिश भी होने वाला है, इट्स बेटर कि जितना जल्दी हो सके अपन पहुँचे आगे की तरफ। आराम से आराम से, मेरी तो फटी पड़ी है जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, एक बार नीचे देखो। आराम से ओए, उतर के उतर के उतर के, स्लोली 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 स्लोली, और खींचिए और खींचिए और खींचिए, बस 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 सीधा बस। लकली भाई निकल गई अपनी बाइक, उज्जवल भाई को तो काफी ज्यादा परेशानी हो गई। चलो यहाँ पे ना बिल्कुल भी मोमेंट का जो मोशन है ना, ये मोमेंटम ब्रेक नहीं होने देना, अदरवाइज बाइक अटक जाएगी फिर। ओहो भाई साहब, ऑल थैंक्स, यहाँ पे ब्रिज बना पड़ा है, अदरवाइज ये वाटर क्रॉसिंग। ओके, मुझे लगा वाटर क्रॉसिंग नहीं होगा बट है वो लोग। चलो मैं ही जाता हूँ पहले, देखा जाएगा जो भी होगा। होना क्या भाई, आपका भाई ना प्रो हो चुका है अब तो, ये तो फिर भी कुछ नहीं है। ये चेकआउट करो गाइस, ओह माय गॉड, ये निकला ही डोमिनार। सच बताऊं तो ये चेकआउट करो, ये वाटरफॉल ही हमारे ऊपर सीधा गिर रहा है। और मैं तो यही सोच रहा कि अगर इस रोड में बारिश हो जाए तो क्या होने वाला है। तो अभी हम लोग फर्स्ट चेक पोस्ट पे यहाँ पे रुके थे, एक कैप चेक पोस्ट पे, यहाँ पे हमने एक अपना सबमिट कर दिया है जो परमिट था, और यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर ऐसा ऑफ रोड पैच और मिलेगा, उसके बाद शायद पिच रोड हो चुका है जैसा कि सर लोग बता रहे हैं। और मतलब सीरियसली बताओ ना, ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये 200 किलोमीटर का पोखरा से जॉमसम का जो एक्सपीरियंस है, मतलब मुक्तिनाथ का, वो 6000 किलोमीटर का पूरा लद्दाख भी कर लोगे पटना से तो कभी नहीं कवर हो पाएगा। मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल। और अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो इस राइड के लिए तो गलती से भी मत आना इस राइड पे।
क्योंकि इसके लिए मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ेगा। अभी हम लोग को बहुत ख़राब लग रहा है, हमारे साथ एक और राइडर जो थे उमेश भाई उनको वापस जाना पड़ा, बट कोई नहीं, देखते होप फॉर द बेस्ट कि अगर वो लोग वो कल तक आ गए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मैंने बोला कि अभी गाड़ी बनने के लिए दे देना, फिर सुबह अगर कोई भी ऑप्शन होता है बस से या फिर कोई भी भाड़े के वाले गाड़ी से आ जाना, एटलीस्ट दर्शन हो जाए ऊपर। तो चलो अब ऊपर की तरफ चलते हैं। हमारी बाइक पसंद आ गई, भाई का हम लोग फोटो क्लिक कर दिए। अच्छा बाइक है, पसंद है, तो अच्छा है ना। नेपाल में ऐसा नहीं मिलता? मिलता है, वो तो नसीब वाले को मिलता है, हमारे को नहीं मिलता है इधर। अच्छा अच्छा, हमारा भी है बाइक। तो कौन सा बाइक है? 220। बहुत अच्छा बाइक है। ऐसा तो विदेशी लोग चलाता है ना। बस फाइनली हमें एक अच्छा रोड मिला, मतलब पूरे इतने राइड में जब से हम लोग ने कट लिया था फ्रॉम हागलुंग उसके बाद से भाई पूरा कंप्लीट ऑफ रोड था। वो देखो सामने कितना प्यारा वाटरफॉल है, एंड साथ ही साथ यहाँ से अब आई गेस एक से डेढ़ घंटा और लगने वाला है। और एक और बैड न्यूज़ है कि हमारा ड्रोन जो है वो सीज़ हो गया है, और उन्होंने बोला कि अगर तुम लोग वापस जब तक उधर से नहीं आओगे तब तक भाई ड्रोन नहीं मिलने वाला। मैंने बोला भाई ड्रोन नहीं उड़ाएंगे, आप लोग दे दो रख लेते अपने पास, तो उन्होंने मना कर दिया डायरेक्टली। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है फिर, अब जमाई करना ज़्यादा बेटर है। क्या भाई? यस यस। तो गाइस ये जो आप देख रहे हो ये जो रिवर पूरा है इसको क्रॉस करके 8 किलोमीटर जाना होता था पहले, बट अब ये वाला जो नया रोड बन गया पिच रोड मिल गया हमें, लकली हम लोग मतलब आए हैं तो ये मिल गया। अदरवाइज अगर इसमें 8 किलोमीटर जाना रहता ना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब लिटरली इसके लिए तो कहीं से नहीं है, क्योंकि मैं बाइक को तोड़ने नहीं लाया इधर, राइड करने आया था बट तोड़ने नहीं लाया। तो अगर तोड़ना है तो आप इसमें जा सकते हो, बट अपन सीधा अच्छे से रास्ते से जाएंगे। मैं ट्राई करता हूँ बिना पैर नीचे रखे अगर निकाल पाऊँ तो। ओके ये पार, ये भी पार, यहाँ भी नहीं रखना पड़ा, यहाँ भी नहीं। प्रो हो गया आपका भाई, सच बताओ तो। चला चला कर यार बिना पैर रखे पूरी रिवर क्रॉसिंग कर दी हमने। तो अभी हम लोग हैं मार्फा में, अगर हम लोग लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे तो ये रास्ता चला जाएगा मार्फा विलेज की तरफ, बट हमें जाना राइट की तरफ क्योंकि हम लोग रुकने वाले हैं आज जॉमसॉम। तो होपफुली देखते हैं जितना जल्दी हो सके कवर अप करते हैं। अभी 4:37 हो रहा शाम का, एंड हम लोग सुबह लगभग 7:30 बजे निकले थे जिसमें हमें बहुत सारा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा था। ऑलमोस्ट रीच जॉमसॉम, एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड में देख सकते हो एक एयरपोर्ट है जो कि जॉमसॉम का, एंड यहाँ पे डेली एक फ्लाइट चलता है जो कि पोखरा से यहाँ आता है, एंड उसका अराउंड 7000 नेपाली मतलब 7000 NC रुपीज़ चार्ज है। तो भाई ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा सुन के। तो जो लोग ये वाला रूट नहीं चूज़ करना चाहते हो बट फिर भी चाहते हो कि वक्त ना जाके दर्शन करें तो वो ये वाला रास्ता चूज़ कर सकते हो। फाइनली होटल पहुँच चुका, और पहुँचते के साथ देखो ब्रेड जैम और इधर ऑमलेट दबा कर खाया जा रहा है, एंड ये हमारा होटल है, होटल मुस्तांग ताज, ताज नाम है बट ऐसा मतलब वो वाला ताज मत समझ लेना। तो गाइज आज की वीडियो को बस इतना ही पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कल का राइड जो होने वाला वो और भी अमेजिंग होने वाला है। सो बी श्योर कि कल के लिए भी आप स्टे ट्यून रहना और अगली व्लॉग का बिल्कुल वेट करना। तो मिलते किसी ऐसे वीडियो में गाइज, अंटिल देन बाय बाय एंड राइड सेफ।